चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है बेटा। लेकिन एक चीज गौर करेंगे, ईसाई कभी भी धर्म कभी नहीं कहेंगे कि आप उनका एक्सेप्ट कर लीजिए टिल लास्ट डे तक। आप इनके मतलब समझते हैं कितना दूर तक ये सोचते हैं। और रियल में उन लोग की मिशनरीज जो होती है गरीबों के लिए काम करती है। कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो आप खान सर को अच्छे से जानते होंगे जो कि बिहार से हैं और वे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं। मेरे प्रियो खान सर के पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े ऑफिसर्स बन चुके हैं। मेरे प्रियो यदि आप खान सर की टीचिंग को सुनते होंगे या देखते होंगे तो आपने कई बार नोटिस किया होगा अपने बच्चों को पढ़ाते समय में उन्होंने मसीहत को बहुत बढ़ावा दिया और उन्होंने बताया कि ईसाई लोग क्या करते हैं। ईसाई लोग शिक्षाओं पर जोर देते हैं, ईसाई लोग लोगों का आदर करते हैं। ये बहुत बार आपने कहते सुना होगा। मेरे प्रियो आज के इस वीडियो क्लिप में खान सर का वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने मसीहत को बढ़ावा दिया और खुलासा किया कि मसीही लोग क्या करते हैं, ईसाई लोग क्या करते हैं। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और आपने देखा होगा, लेकिन मेरे प्रियो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ जो आए दिन मसीहों को टारगेट करते हैं। मेरे प्रियो हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जो पाखंड फैलाते हैं, ढोंगीपन करते हैं, और जब वे कथाएं सुनाने के लिए जाते हैं तो अपनी कथाएं नहीं बताते हैं बल्कि लोगों के बीच में भड़काऊ भाषण देते हैं और मसीहों को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ईसाई लोग लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करते हैं। मेरे प्रियो मेरे कुछ और आगे बोलने से पहले मैं चाहता हूँ कि दो वीडियो क्लिप्स आप देखिएगा। पहला बाबा का वीडियो क्लिप देखिए, वो क्या लोगों के बीच में बोल रहे हैं, और उसके बाद खान सर का भी वीडियो देखिए और अंत तक जरूर देखिए। आइए हम दोनों वीडियो क्लिप्स को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। ये तो प्रसाद भी नहीं खाते गुरुजी हम भगवान जी का। बात कराओ, इतनी पागल है कि क्या बताऊं। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं और कृष्ण को क्या मानते हैं? यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और श्री कृष्ण कब आए? 5000 5500 साल पहले। देखो आपको कृष्ण कब आए ये पता नहीं, यीशु कब आए पता है। क्रिश्चियन लोग यही तो करते हैं बेटा, हिंदुओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा अपराध है। आपने कहा यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर जी। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए, तो आपको लगा भगवान है? अभी उसमें ऐसा ही लिखा है वचन में। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है? जर्मनी, इटली का रोम था और उसके जस्ट ऊपर जर्मनी। यहाँ पे पादरी लोगों का बहुत प्रभाव था, बहुत प्रभाव। और वो लोग अपने आप को कैथोलिक धर्म का कहते थे। क्या कहते थे? कैथोलिक। कैथोलिक थे वो लोग, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कैथोलिक लोग और प्रोटेस्टेंट, जैसे सिया सुननी है ना, वैसे उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले हैं लोग, सारा विवाद छुप जाता है। कम पढ़े लिखे रहेंगे, गरीबी रहेगी, कुल बवाल बाहर दिख जाएगा। अमीरों के घर में झगड़े लड़ाई होते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते। गरीबों का घर बाहर होता है, झगड़ा होगा तो बहरवे हो जाएगा, सड़कें में पंचायती हो जाती है। इन लोग में कैथोलिक लोग बहुत वर्चस्ववादी। तो मार्टिन लूथर किंग, क्या नाम था? मार्टिन लूथर, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि आप लोग खामखा में बहुत ज्यादा राजनीतिक सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करने लगते हैं। मार्टिन लूथर किंग का भी एक कहना सही था, आप उसकी विचारधाराओं को पढ़िएगा तो समझिएगा। साहित्य के क्षेत्र में वह व्यक्ति जाता है जो समाज में कुछ करना चाहता है। विज्ञान के क्षेत्र में वह जाना चाहता है जो कुछ करना चाहता है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर बहुत अच्छा काम करेगा तो उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा बहुत सारे चीजों के बाद। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है तो भी वो किधर जा सकता है? धर्म। आप अपने बाल बच्चों को धार्मिक गुरु बनाएंगे या डॉक्टर इंजीनियर बना के सेटल करेंगे? कुछ ना कुछ सेटल करना चाहेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धार्मिक चीजों में जाने देना चाहते हैं? इसका मतलब जो समाज के अग्रिम श्रेणी है
जो क्रीम लेवल का समाज है वो किधर की ओर जा रहा है? आधुनिक शिक्षा की ओर। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में बढ़ा रहा है, ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग का कहना था कि जो समाज के पीछे के लोग हैं, जो इस पढ़ाई को या तो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं गरीबी की वजह से, या पढ़ नहीं सकते हैं अपने मेंटलिटी की वजह से, वो धार्मिक चीजों में जा रहे थे, और वो हमें क्यों रूल करते हैं? किसका कहना था? अच्छा, उसका कहना क्या गलत था? आप सेलेक्टेड है, पूरा एग्जाम उग्जाम दिया है, यूपीएससी वगैरह पीसीएस से लेकर हर एक चीज का एग्जाम दिया, उसके बाद वो सेलेक्ट हो रहा है, और उसके ऊपर कोई ऐसा आदमी है जो आके रूल करेगा, इसका विरोध में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किसने किया? मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर किंग के साथ बहुत सारे लोग आ गए, और धीरे धीरे कई सारे पादरी की शक्तियों में कमी किया गया, एक लिबरल कैटेगरी के पादरी आए और एक नई विचारधारा आई जिसे कहा गया प्रोटेस्टेंट। देखिएगा, वो कभी भी ना नाम भगवान के नाम पर नहीं लगेगा, जीसस क्राइस्ट इंटर कॉलेज नहीं रखेगा, हम लोग रखेंगे सरस्वती सीतु मंदिर, लेकिन वो स्कूल उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, आपकी मजबूरी है वहां, अगर अच्छे पढ़ना है तो आपको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन जानते हैं ना, इनको आराम से समझाना है, सेंट जेवियर, सेंट ये, सेंट वो, कभी ईसा मसीह के नाम पे नहीं रखेगा, देखे कभी भी नहीं। और अगर उन्होंने रख दिया कहीं पे, बहुत उन लोग के अंदर समझदारी होती है, अगर वो धार्मिक चीज दे दिए, ईसा मसीह का फोटो लगा दिए, तो अगल बगल में हॉस्पिटल या कुछ खोल देंगे अनाथाश्रम, ताकि अगर धर्म देखो तो केवल देखो कि कितना ये लोग भलाई करते, और रियल में उन लोग की मिशनरीज जो होती है गरीबों के लिए काम करती है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। वो कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। जो समाज में जिसको धिक्कार दिया जाता है गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक तिरस्कार से, उसको ले आके वो अपने समाज में लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, जैसे अपने कपड़ा पहने वैसे पहनते, सेम टेबल पे बैठा के छुरी चम्मच से खाना खिलाते, वो देखते हैं यार हमको तो तिरस्कार किया गया था समाज में, ये मेरे लिए समाज अच्छा है, इसलिए वो चले गए। कभी नहीं देखिएगा कि आप भारत नॉर्थ ईस्ट में 90% क्रिश्चियन हो गए, हम लोग उन लोग को जंगली कह के बुलाते तो उन लोगों ने उसको सम्मान दे दिया, समझ में आ गया कि नहीं? मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने दोनों वीडियो क्लिप्स को देखा, और मैं आशा करता हूँ कि आपने अंत तक जरूर देखा होगा, मेरे प्रिय, बाबा एक लड़की से बोलते हैं धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा पाप है, कोई फायदा नहीं है चर्च जाना। किस प्रकार वो बोल रहे हैं कि ईसाई लोग लोगों को बरगलाकर ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा कि किस प्रकार खान सर मसीहत को बढ़ावा दे रहे हैं कि मसीही लोग क्या कर रहे हैं, ईसाई लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईसाई लोग शिक्षाएँ देते हैं, ईसाई लोग समाज से जिन्हें धिक्कारा जाता है, समाज से जिन्हें नकारा जाता है, उनको अपनाते हैं, उनको अपने संग बिठाते हैं और खाना खिलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और मेरे प्रिय, आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी आधुनिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में आपने जो भी देखा है अपनी आँखों से, वो सब मसीही लोगों का बनाया हुआ है। और खान सर ने बोला कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस हैं जिन्हें ईसाई लोगों ने नियुक्त किया है, स्थापित किया है, और वे अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय, यूट्यूब आप चलाते हैं, यूट्यूब भी क्रिश्चियन लोगों का है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, ये सब क्रिश्चियन लोगों का है, और उन्होंने ही बढ़ावा दिया है, उन्होंने ही शिक्षाएँ दी है। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ ऐसे पाखंड लोग हैं जो हमेशा से लोगों के बीच में जाकर भड़काऊ भाषण देते हैं। मसीही लोग प्रेम करना सिखाते हैं, मसीही लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे भारत देश के कुछ बाबा लोग हैं वो हमेशा से नफरत फैलाते हैं और कहते हैं कि ईसाई लोग जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, चावल देकर, लालच देकर, रुपये देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसा बाबा लोगों का कहना है, आरोप लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी आरोप लगाते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किसी का धर्म और जाति बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि जो लोग पाप में फंसे हुए हैं, जो लोग गलत संगति में फंसे हुए हैं, जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, उनको ज्योति दे, उनको सही रास्ता दिखाए, उनका उद्धार करे, इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। और लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, मेरे प्रियो, धर्म यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। धर्म एक ऐसा चीज है जो अच्छी शिक्षाएं देती है। धर्म का मतलब यह नहीं कि
ईसाई धर्म बेकार है, मुस्लिम धर्म बेकार है, ये धर्म बेकार है, वो धर्म बेकार है, एक दूसरे के धर्म के बीच में लोगों का बीच में नफरत भाषाएं बोलना, भड़काऊ भाषण बोलना, ये धर्म नहीं सिखाता है। और आप मेरे प्रियो जानते हैं कि हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हमेशा से धर्म की आड़ में राजनीतिक खेल खेलते हैं, धर्म की आड़ में गुंडागर्दी फैलाते हैं, धर्म की आड़ में लोगों के बीच में नफरत फैलाते हैं और देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और खान सर ने बहुत अच्छी बातें बताई कि मसीही लोग क्या करते हैं, उन लोगों को सम्मान देते हैं जो लोगों से धिक्कारा जाता है, समाज से नकारा जाता है, समाज उनका कुछ आदर नहीं करता, ऐसे लोगों को मसीही लोग, ईसाई लोग आदर करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग छुआछूत करते हैं, भेदभाव रखते हैं, छोटी जात बड़ी जात, और आपने बहुत सारे काले करतूतें भी देखा होगा वीडियोस में कि किस प्रकार लोग छुआछूत करते हैं। कई बार मैंने घटनाओं को देखा कि लोग किस प्रकार जो शूद्र जाति के हैं उनको बदनाम करते हैं, उनको आदर नहीं करते हैं, उनके बीच में वो पानी तक नहीं पीते, उनके बीच में रहते भी नहीं। लेकिन मसीही लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि कोई छोटी कोई बड़ी जाति नहीं है, एक समान है सब। और वही बात खान सर ने बताया। मेरे प्रियो, बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। यदि ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि मसीही लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह क्या है। प्रभु आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।